गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई रजिया पठान फ्रॉम ज्ञान मंजरी विद्यापीठ स्टैंड अप फेथ। सो स्टूडेंट्स, इन अ प्रीवियस अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो रिवीजन लेक्चर है, राइट? बिकॉज हमारा सिलेबस है वो कम्प्लीट हो चुका है और अभी हम रिवीजन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एग्जाम आ रही है, दैट्स रीजन। सो इन द प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिवीजन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तक हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया। Now today we will start word problems. So अभी तक हम लोगों ने क्या कम्प्लीट किया है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज आफ्टर टू डेज हम मिल रहे हैं, राइट? सो हम लोगों ने रिविजन में अभी तक कम्प्लीट किया है सोल्व द फॉलोइंग, रीग्रुपिंग सम विदाउट रीग्रुपिंग सम, राइट? दैट वन वी आर कम्प्लीटेड। देन वर्ड प्रॉब्लम्स है वो यूनिट नंबर फर्स्ट के हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिए। आफ्टर दैट वी हैव टू कम्प्लीटेड हियर यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा रिविजन ऑलमोस्ट सारा कम्प्लीट हो चुका है। नाउ अभी हम लोगों ने यूनिट नंबर सेकेंड स्टार्ट किया है। सो इन दैट यूनिट नंबर सेकेंड में हम लोगों ने सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट द क्वेश्चन हम लोगों ने कम्प्लीट किया है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर सेकेंड में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन तो है पेपर पैटर्न में सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, बट हम लोगों ने अभी तक क्या किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट के वर्ड प्रॉब्लम्स कम्प्लीट हो चुके हैं। सो नाउ टूडे वी विल कम्प्लीट यूनिट नंबर सेकेंड के वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कम्प्लीट करेंगे, ठीक है? सो लेट स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम। सो हियर वर्ड प्रॉब्लम से सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। सो इन दैट अ बॉक्स ऑफ कलरिंग स्केच पेन कॉस्ट इज 98 रुपीज, ठीक है? 98 रुपीज कलरिंग स्केच पेन का प्राइस कितना है? बॉक्स, वन बॉक्स की प्राइस है 98 रुपीज। नाउ इफ यू हैव रुपीज 600, अभी हमारे पास अगर 600 रुपीज है, ठीक है? सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द बॉक्सेस यू कैन बाय, आप लोग कितने मैक्सिमम नंबर के कितने बॉक्सेस है वो परचेज कर पाओगे वो हमें फाइंड करना है, ठीक है? हमारे पास क्या है यहाँ पे, वी हैव द टोटल कॉस्ट, वन बॉक्स का कॉस्ट क्या है 98 रुपीज है, एंड हमारे पास अमाउंट है, तो हमें पर हम कितने बॉक्सेस से वो परचेज कर पाएंगे वो हमें फाइंड करना है। दैट्स द रीजन हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दैट, ओके एवरीवन? रिवीजन यूनिट नंबर सेकेंड, इन दैट वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने रीड कर दिया है, ठीक है? एंड यू ऑल आर हैविंग द क्वेश्चन ऑल्सो। सो हियर स्टेप वन है हमारा नंबर्स एंड कीवर्ड्स फाइंड करना है। हियर 98 रुपीज पर कॉस्ट पेन कॉस्ट, ठीक है? जो स्केच पेन है उसका कॉस्ट क्या है 98 रुपीज है। नाउ 600 रुपीज आप लोगों के पास है, 600 रुपीज टोटल अमाउंट है। सो हमारे पास नंबर एंड कीवर्ड्स हमें मिल गए। नाउ स्टेप टू हमारा क्या होगा, स्टेप टू हमारा है कि हम लोगों को क्या पूछा गया है। सो हियर व्हाट इज द क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द बॉक्सेस यू कैन बाय, ज्यादा से ज्यादा हम कितने बॉक्सेस परचेज कर सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? सो इन दैट स्टेप थ्री है वो हमारा ड्रॉ करना है। स्टेप थ्री हमारा क्या है, ड्रॉ करना है। सो इन दैट हियर वी हैव टू राइट हियर 98 रुपीज पर बॉक्स एंड 600 रुपीज टोटल हमारे पास है, ठीक है? सो इन दैट स्टेप फोर हमारा क्या है, ऑपरेशन। इन दैट वी हैव टू डू द डिवीजन। नाउ लुक एट दिस
फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप्स. स्टेप फोर इज अ डिवीजन एंड स्टेप फाइव इज अ सॉल्यूशन. सो इन दैट 600 डिवाइड बाय 98 6 588. Now 0 minus 8 is not possible. Cut 6, write here 5. Cut 0, write here 9. And cut 0, write here 10. 10 minus 8, 10 on your finger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cut 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So how many numbers are remaining here? 1 and 2. So what we have to write here? 2. 9 minus 8. 9 on your finger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So remain number is 1. So what we have to write here? 1. 5 minus 5, 0. So our answer is 6. So I can buy maximum 6 boxes. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6. Now look at this and write it down in your notebook. Now our next question is, a halwai has 18 boxes for the bundis laddu. He makes 774 laddus and put them inly in the boxes. How many laddus are there in each box? Now see, हलवाई के पास टोटल हलवाई हैज 18 बॉक्सेस. उसके पास 18 बॉक्सेस थे बूंदी के लड्डू के. ठीक है, ही मेक 774 लड्डूस. उससे कितने लड्डूस बनाए थे? 774. सो हाउ मेनी लड्डूज आर देयर इन ईच बॉक्स? एवरी बॉक्स में कितने लड्डूज आएंगे वो हमें क्या करना है? वी हैव टू find it. Now so we will start our sum. So in that step one, our steps one is find the numbers and keywords. So number is 18 boxes of the bundis laddus and 774 laddus he make. Usse total number kitne laddus banaye? 774 laddus banaye. Theek hai. Now step two है हमारा ask, how many laddus are there in each box? Total every box में कितने laddus है वो हमें पूछा गया है. ठीक है, step three है हमारा draw करना. So here we have to write 18 boxes है, 774 laddus है. ठीक है, and answers हमारे पास है नहीं. We have to find the answers. Now step 4, that one is our operation. What we have to do? We have to do addition or subtraction or division. So here we have to do the division. Step 5 is a solution. So in that 774 divided by 18. 18 fours are 72. 18 fours are 72. 7 minus 2, 7 on your finger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cut 2, 1, 2. So remain number is a 1, 2, 3, 4, 5. So what we have to write here? 5. 7 minus 7, 7 on your finger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So remain number is a 0. So what we have to write here? 0. Now here we are having a 5. So 5 is a smaller number than the 18. So bringing down 4. So our next number is a 54. 18 3s are 54. 4 minus 4. 4 on your finger. Cut 4. 1, 2, 3, 4. So remain number is a 0. So what we have to write here? 0. Now 5 minus 5, 5 on your finger, cut 5, 1, 2, 3, 4, 5. So
So remain number is here 0. So what we have to write here? 0. So our answer is 43. So there are 43 laddus in each box. Each box mein kitne laddus honge? 43. Now look at the whole sums and write it down in your notebook. Now our next question is, a bunch of new reading books has been delivered to school. There are 275 books each. Class needs 15 books. Each class need 15 books. How many classes will get the books that they need? So here our question kya hai? A bunch of new reading books has been delivered in a school. Reading के लिए benches school में दी गई है, ठीक है, deliver की गई है. There are 275 books है. How many books are there? Reading के लिए कितनी books है वो deliver की गई है एक school में. कोई एक school है वहां पर reading के लिए books वो deliver की गई है. In there are 275 books each. There are 275 total books kitni thi? 275 books are there. And then each class needed 15 books. Every class mein kitni books chahiye? 15. 15 books chahiye, theek hai. So how many classes will get the books that they need? टोटल कितने क्लासेस है, कितने क्लासेस को बुक्स मिलेगी? एवरी क्लास में कितनी, ईच क्लास में 15 बुक्स देनी है. टोटल बुक्स हमारे पास 275 है. सो ऑब्वियसली वी हैव टू डू हियर डिवीजन. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द आंसर. सो our step 1 is a number find karna, numbers and keywords find karna. So total number of the books kitna hai? 275 books total we are having. And each class needed 15 books. Each class, every class mein hame kitni 15 books deni hai, 15 books, theek hai. And our step second is ask. What they are asking to us? How many classes will get the books that they need? Kitne classes mein books milegi? Theek hai, wo hume find karna hai. Step 3 hai hamara yahan pe draw karna. So here we have to do 3 boxes. In that boxes, in the first box we have to write here 75 books total number in the books divided by 15 each class needed. And in the last we have to write here question marks because we don't have the idea what we have to do. Now answers hamare paas nahi hai, that's the reason yahan pe hum logo ne question mark kiya hai. Now step 4 hai hamara operation division. Operation kya hai hamara? Division karna. And step 5 operation solution. Step 5 हमारा क्या है? Solution, हमें solution लाना है, ठीक है. So in the 275 divided by 15. Now 15 here outside area में 2 digit है, so inside हम 2 digit लेंगे. ये वो question 275 है, सो हम यहाँ पे 2 डिजिट 27 नंबर ही लेंगे. 15 वन 15 15 2 30, सो हियर वी हैव टू राइट 15 वन 15. 7 माइनस 5 7 ऑन ए फिंगर 1 2 3 4 5 6 7. कट 5 1 2 3 4 5. So remain number is 1 2. So what we write here? 2. 2 minus 1. 2 on your finger, cut 1. So our answer is 1. So what we have to write here? 1.
Next number is a 12. 12 is smaller number than the 15. So what we have to do? We will bring it down here 5. So our next number is a 125. Our next number is a 125. Now 15 is a 120. 15 is a 120. So here 125 minus 120, 5 minus 0. Here we have to write 5. 2 minus 2, 2 on your finger, cut 2, 1, 2. So remaining number is here 0. So what we have to write here? 0. 1 minus 1, 1 on your finger, cut it down 1. So answer is 0. So here, how many classes will get the books? So here our answer is 18. How many classes will get the books that they need? 18 classes. How many classes are there? 18 classes. Now look at the first four steps. And write it down in your notebook. Now look at the next steps. Third, fourth, fifth, and write it down in your notebook. So I hope so. आप लोगों ने sums लिख लिया होगा, right? Students, हम लोगों ने आज complete किया है divisions, ठीक है? Unit number second में हम लोगों ने divisions के जो word problems है वो हम लोगों ने complete कर लिए, ठीक है? सो अभी आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, हम लोग रिवीजन लेक्चर स्टार्ट हम लोगों ने किया है, नो डाउट, ठीक है? हम लोग रिवीजन लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट तो कर दिए है. इन दैट हमारा एक्सपांड द फॉलोइंग बहुत सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट भी हो गए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था सोल्व द फॉलोइंग, उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने सोल्व द फॉलोइंग कम्प्लीट कर लिए, यूनिट नंबर सेकेंड में भी हम लोगों ने सोल्व द फॉलोइंग कम्प्लीट कर लिए. Now what you have to do, आप लोगों को क्या करना है अभी प्रैक्टिस के लिए, आज मैंने जो सम्स करवाए हैं वो भी आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है? एंड सेकेंड थिंग वो आप लोगों को लिखने हैं. यूनिट वर्कशीट नंबर 11 जो है आप लोगों के बुक में पेज नंबर 38 वो भी आप लोगों को, उसमें से भी आप लोगों को 3-4 सम्स लिखने हैं. सो वो सम्स आप लोगों के कम्प्लीट हो जाते हैं तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, वर्कशीट नंबर 11 की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस जैसे ही कंप्लीट हो जाती है आप लोगों को प्रैक्टिस के सम्स मुझे सबमिट करवाना है. एंड वर्कशीट नंबर 10 में जो सम्स है वो भी आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है. और जैसे ही आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है बिफोर 3 o'clock आप हमें व्हाट्सएप में आप लोगों का होमवर्क है वो हमें व्हाट्सएप पे आप लोग सबमिट करवाओगे, ठीक है? और होमवर्क आप लोग ऑन टाइम पे सब लोगों को सबमिट करवाना है, ठीक है एवरीवन? और रिवीजन प्रॉपरली और बहुत ही अच्छे से करना है, बिकॉज अभी हमारी एग्जाम आ रही है और एग्जाम में अभी 1 or 2 weeks ही बाकी है. तो प्रॉपरली आप लोग प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में तो ही आप लोगों को अच्छे मार्क्स, प्रॉपरली मार्क्स आएंगे, ठीक है एवरीवन? ओके, और होमवर्क बिफोर 3 o'clock व्हाट्सएप पे आप लोग हमें सबमिट करवाओगे. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे.